नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। हमास चीफ यहया सिनवार की मौत के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू का दावा, कहा खत्म कर देंगे ईरानी आतंक का शासन। नेतन्याहू बोले, गजा इसराइल युद्ध खत्म हो सकता है अगर हमास अपने हथियार डाल दे और हमारे बंधकों को लौटा दे। मिडिल ईस्ट की जंग में रूस और तुर्की की एंट्री। इसराइल ने ईरान के प्रॉक्सी हमास और हिजबुल्ला की मदद करने का लगाया आरोप, हिजबुल्ला के ठिकानों से मिले रूसी हथियार। रूस यूक्रेन युद्ध में तानाशाह किम जोंग की एंट्री। रूस की मदद के लिए यूक्रेन से लड़ने जाएंगे उत्तर कोरियाई सैनिक। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ बोले, एससीओ के दौरान जयशंकर का दौरा एक शुरुआत, 75 साल बर्बाद किए, अब आगे की सोचें। नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान की वजह से खराब हुए भारत से रिश्ते। पीएम मोदी के खिलाफ की गई इमरान की टिप्पणियों का भी किया जिक्र। ब्रिक्स समिट में शामिल होने रूस जाएंगे पीएम मोदी। 22-23 अक्टूबर को होगा समिट। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हो सकती है मुलाकात। पाकिस्तान के एक कॉलेज में छात्रा से रेप के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र, 380 लोग गिरफ्तार, स्कूल कॉलेज बंद, पुलिस ने एक गार्ड को भी किया गिरफ्तार। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई का दावा, रॉ ने रची पन्नू हत्या की साजिश। भारतीय नागरिक विकास यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर, भारत ने इसे किया गिरफ्तार। और अब आज की बड़ी खबर, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में पाकिस्तान यात्रा को एक अच्छी शुरुआत बताया है और साथ ही दोनों देशों के रिश्तों में दरार बढ़ने के पीछे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया है। नवाज शरीफ ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को अतीत को पीछे छोड़कर अच्छे पड़ोसियों की तरह आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों को अब बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि एस जयशंकर का पाकिस्तान दौरा एक शुरुआत है, यहाँ से भारत और पाकिस्तान को अपने इतिहास को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। नवाज शरीफ ने ये बातें तब कही जब वो गुरुवार को एससीओ की बैठक में पाकिस्तान पहुंचे, भारतीय पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। नवाज शरीफ ने एस जयशंकर के दौरे को लेकर कहा कि बात ऐसे ही आगे बढ़ती है, ये सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए। अच्छा होता कि मोदी साहब यहाँ खुद तशरीफ लाते, लेकिन ये भी अच्छा है कि जयशंकर आए हैं। अब हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए जहाँ हमने इसे छोड़ा था। हमने 75 साल गंवा दिए हैं, अब हमें अगले 75 सालों के बारे में सोचना चाहिए। नवाज शरीफ ने भारत के साथ रिश्ते खराब होने के पीछे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई उनकी टिप्पणियों का भी जिक्र किया। नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसने भारत के साथ रिश्तों को खराब कर दिया है। नेताओं को इस तरह की भाषा बोलना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहिए। नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी की दिसंबर 2015 की अचानक लाहौर में उतरने की घटना को भी याद किया। ये दौरा उस समय हुआ था जब पीएम मोदी काबुल से लौटते वक्त अचानक लाहौर में रुके और नवाज शरीफ को उनके जन्मदिन की बधाई दी। शरीफ ने इस यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि ये दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी। उन्होंने कहा कि इस तरह के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदमों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और सद्भावना को मजबूत करने में काफ़ी अहम रोल निभाते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि मोदी ने दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी लेकिन फिर भी ये बार बार खराब होते रहे। उन्होंने कहा कि मोदी हमसे मिलने लाहौर भी आए थे, उन्होंने मेरी माँ के साथ भी काफ़ी देर तक बातचीत की थी, ये कोई छोटी बात नहीं थी, खासकर हमारे देशों में इसका बड़ा मतलब है। नवाज शरीफ ने भारत पाकिस्तान के बीच फिर से क्रिकेट शुरू करने पर भी जोर दिया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंधों को फिर से शुरू करने की वकालत करते हुए यहाँ तक कहा कि अगर दोनों टीमें पड़ोसी देश में किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में खेलती हैं तो वो भारत की यात्रा करना चाहेंगे। शरीफ ने कहा कि एक दूसरे के देशों में
टीमें न भेजने से हमें कोई फायदा नहीं है। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक संबंधों को बहाल करने की बात करते हुए कहा कि भारतीय और पाकिस्तानी किसानों और उत्पादकों को अपना सामान बेचने के लिए बाहर क्यों जाना चाहिए। अब माल दुबई के रास्ते अमृतसर से लाहौर जाता है, इससे किसे फायदा हो रहा है। जिस काम में 2 घंटे लगने चाहिए उसमें अब 2 हफ्ते लगते हैं। नवाज शरीफ ने बताया कि मेरे पिता के पासपोर्ट में उनका जन्म स्थान अमृतसर लिखा हुआ है। हम एक ही संस्कृति, एक ही परंपरा का पालन करते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, एक जैसा ही खाना खाते हैं। मैं इस बात से खुश हूँ कि हमारे रिश्ते में एक लॉन्ग पॉज यानी लंबा विराम आ चुका है। भले ही लीडर्स के बीच अच्छा व्यवहार ना हो, लेकिन लोगों के बीच रिश्ता बहुत बढ़िया है। मैं पाकिस्तान के उन लोगों की तरफ से बोल सकता हूँ जो भारत के लोगों के लिए सोचते हैं, और मैं भारतीय लोगों के लिए भी यही कहूँगा। नवाज शरीफ ने 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर यात्रा को भी याद किया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी को आज भी लाहौर घोषणा पत्र और उस समय के उनके शब्दों के लिए याद किया जाता है। मैं उस यात्रा के वीडियो देखता हूं क्योंकि वो सब याद करके बहुत अच्छा लगता है। नवाज शरीफ के साथ ही उनके बगल में बैठी उनकी बेटी और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने भी भारत की यात्रा करने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि मैं जब करतारपुर गई थी तब मुझे भारतीय तीर्थयात्रियों से बहुत प्यार मिला। मैं भारत, खास तौर पर पंजाब जाना पसंद करूंगी। इस पर नवाज शरीफ ने कहा कि सिर्फ पंजाब ही क्यों, हिमाचल, हरियाणा और दूसरे राज्यों में भी जाइए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 अक्टूबर को पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे। ये 9 सालों में पहली बार हुआ जब भारत से कोई शीर्ष नेता पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने सख्त रुख दिखाते हुए पाकिस्तान चीन का नाम लिए बिना कहा कि सभी देशों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने की जरूरत है, आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। और अब आज की दूसरी खबर, इसराइल लेबनान की जंग ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। मिडिल ईस्ट में रूस और तुर्की की एंट्री हो गई है। जी हां, इसराइल ने इन दोनों देशों पर ईरान के प्रॉक्सी हमास और हिजबुल्ला की मदद करने और उन्हें हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाया है। इसराइल ने पिछले महीने की 27 तारीख को लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की मौत हो गई थी। नसरल्ला की मौत के बाद से इसराइल लगातार लेबनान में हवाई हमले कर रहा है। लेबनान खंडहर में तब्दील हो रहा है। पश्चिमी देश लगातार अपने नागरिकों को वहां से निकाल रहे हैं। मंगलवार से अब तक इसराइल के हमले में करीब 17 लेबनानी नागरिक मारे जा चुके हैं। इस बीच इसराइल के खुलासे ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। ऐसा लग रहा है कि ईरान इसराइल युद्ध की अटकलों के बीच मिडिल ईस्ट में अब रूस और तुर्की की भी एंट्री हो गई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक फ्रेंच अखबार से बातचीत में कहा कि लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों से रूस के हथियार मिले हैं। वहीं बुधवार को इसराइल की घरेलू खुफिया एजेंसी शिनबेत ने एक मामले में तुर्की पर हमास की मदद करने का आरोप लगाया था। नेतन्याहू ने ली फिगारो नाम के फ्रेंच अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि 2006 के UN सुरक्षा परिषद के रेजोल्यूशन के मुताबिक लेबनान की सेना सिर्फ लितानी नदी के दक्षिणी हिस्से में मौजूद देशों के हथियार रख सकती है। नेतन्याहू के हवाले से फ्रेंच अखबार ने लिखा है कि हिजबुल्ला ने लेबनान में सैकड़ों सुरंगें बना रखी हैं। हिजबुल्ला के इन खुफिया ठिकानों से रूसी हथियार बरामद किए गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इजरायली अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि इजरायली सेना की रेड में लेबनान में रूस और चीन के बनाए एंटी टैंक हथियार मिले हैं। हालांकि इजरायली सेना ने इस मामले में न्यूज एजेंसी AFP के सवालों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं तेल अवीव में एक आत्मघाती बम विस्फोट की कोशिश की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इजरायली अधिकारियों ने विदेश से हमास के ऑपरेशन के संचालन का आरोप लगाया है। यहूदी प्रशासन की पुलिस और खुफिया एजेंसी शिनबेत ने दावा किया है कि हमले की योजना नाटो के सदस्य देश तुर्की में स्थित हमास के मुख्यालय से बनाई गई थी। 18 अगस्त को तेल अवीव में एक ब्लास्ट में आरोपी मारा गया था। वो तेल अवीव में
आत्मघाती हमला करने वाला था, लेकिन उसके बैग में रखे विस्फोटक में पहले ही धमाका हो गया। इजराइल की पुलिस और खुफिया एजेंसी ने अगस्त में आत्मघाती बम विस्फोट की कोशिश की जांच पूरी कर ली है। पुलिस और शिनबेत का कहना है कि इस हमले की साजिश तुर्की में हमास के हेडक्वार्टर में रची गई थी। इस मामले में 8 संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ आरोप दायर किया जाना है। इजरायली अथॉरिटीज ने नबलूस में हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 बम जब्त किए थे। अधिकारियों का कहना है कि हमले की साजिश में शामिल नबलूस में मौजूद आरोपी अबादा बिलाल के संपर्क में थे। बिलाल तुर्की में हमास के हेडक्वार्टर का वरिष्ठ अधिकारी है, जो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। एक साल से चल रही इजराइल हमास जंग के बाद से अप्रैल में ईरान ने पहली बार इजराइल पर हमला किया था। हालांकि उस हमले का इजराइल पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा था और न ही कोई बड़ा तनाव हुआ था। इजराइल ने हमास और हिजबुल्ला पर ही फोकस रखा, लेकिन 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 के करीब मिसाइलें दागी। इजराइल के कई सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। F-16 फाइटर जेट के ठिकाने को भी तबाह करने का दावा किया गया। आपको बता दें कि ईरान के हमले से पहले रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन ईरान के आधिकारिक दौरे पर पहुंचे थे। उनके दौरे के एक दिन बाद ही ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। इस तरह ये कड़ी कहीं ना कहीं रूस के ईरान समर्थित हिजबुल्ला की मदद से जुड़ती नजर आ रही है, वरना हिजबुल्ला के पास इजराइल पर हमले के लिए इतने हथियारों का जखीरा कैसे पहुंच रहा है। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में एक बैठक के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बयान दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर मॉस्को और तेहरान का विचार अक्सर बेहद करीब होता है। पुतिन ने कहा कि वो पश्चिम का मुकाबला करने के लिए मॉस्को के सहयोगियों की एक नई विश्व व्यवस्था बनाना चाहते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिम के देश अब ऐसा भी अनुमान लगाने लगे हैं कि रूस ईरान को परमाणु हथियार भी बनाने में मदद करने लगा है। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 Digital।